हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रद्धा। आपका मेरे किचन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक बनी रेसिपी लेके आई। आज हम बनाने वाले काजू कतली बिल्कुल इजी तरीके से बनाएंगे। तो देखिए, मैं आपको एक काजू कतली इस तरह से तोड़ के भी दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट हमारा काजू कतली बन करके तैयार हो। देखिए, मैं आपको हाथ से दबा करके दिखा रही हूँ, तो आपको देखने से समझ में आ रहा होगा बहुत ही सॉफ्ट ये बन करके तैयार हुआ है। एकदम मुँह में जलते ही घुल जाने वाला काजू कतली हमारा बन करके तैयार हुआ है फ्रेंड्स। तो चलिए हम टेस्टी टेस्टी काजू कतली बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, और अभी फेस्टिवल का टाइम हमारा दिवाली आने वाला है, तो इस तरह से आप ये घर पे ही बना सकते हैं। बाहर से लाने की बजाय घर पे ही टेस्टी टेस्टी काजू कतली बना करके तैयार कर सकते हैं। अब एकदम कम बजट में हमारा काजू कतली बन करके तैयार होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करेंगे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिए। साइड में बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर लीजिए। मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेंगे। तो चलिए हम ये काजू कतली बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए, मैंने ये 1.5 कप ये काजू ले लिए हैं। इस तरह से हमने पीसेस वाले काजू लिए। आप चाहें तो टुकड़े वाले काजू भी ले सकते हैं। जो मार्केट में काजू कतली मिलती है वो टुकड़े वाले काजू से ही बनती, पर हम घर पे बना रहे तो इसलिए हम अच्छे वाले काजू का यूज़ करेंगे। तो बस अब मैं इसको मिक्सर में डाल देती हूँ। तो अब हम ये मिक्सर का जार लें और इसमें अपने सारे ये काजू हम इसमें डाल देंगे और इसको हम इस तरह से रुक रुक के चलाएंगे, जैसे हम पल्स मोड में चलाते हैं। बिल्कुल रुक रुक के हम एक बार में इसको नहीं पीसेंगे। आप इसको चाहें तो कट करके भी इसमें डाल सकते हैं, जल्दी से पिस जाएगा। और अब मैं कवर करके इसको चला लूँगी। तो अब ये देखिए, हमने काजू को पीस लिए, तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये पिस करके तैयार हुआ है। अब इसको हम चालेंगे। तो मैं काजू को इस तरह से 2 बार में पीसी हूँ, एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं पीसी क्योंकि ये मिक्सर का जार छोटा है, हमने छोटे वाला जार का यूज़ किए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पहले हम चालेंगे। तो मैं एक बर्तन ले लेती हूँ और ये चलनी ले लेती हूँ, चाल लेती हूँ, और जो भी इससे थोड़े से मोटे से पार्ट रह जाएँ तो उसको हम वापस से फिर से इसको चला लेंगे। तो बस इसको हम चाल लेते हैं। तो मैं अच्छे से इसको इस तरह से चाल लूँगी। तो ये देखिए, इसी तरह से ही इसको हमने अच्छे से चाल लिए हैं और जो थोड़े से इस तरह से मोटे पार्ट्स रह जाए इसको हम वापस एक बार फिर से चला लेंगे। तो बस इसको मैं एक बार फिर से इसको चला लेती हूँ एक बार मिक्सर में डाल करके। तो अब इसको हम एक बार वापस से चला करके इसको चाल लिए हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। अभी हम पैन चढ़ा लिए और इसमें डालेंगे 1 कप भर करके ये चीनी। तो अब इसका हम चाशनी तैयार करेंगे और उसी कप से हम डालेंगे 1/2 कप ये पानी। अब हम फ्लेम को ऑन कर देते हैं, उसकी चाशनी तैयार करेंगे। तो ये देखिए, शुगर भी अच्छे से डिसॉल्व हो रहा है और अभी हम इसके थोड़ी सी चिपचिपी वाली चाशनी तैयार करेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी जो चाशनी वो कैसी होनी चाहिए, मैं आपको दिखाऊंगी। तो हमें इसमें कोई तार नहीं बनानी है, बस चिपचिपी वाली बनानी है चाशनी। तो ये देखिए, चाशनी भी अच्छी तैयार हो गई। अब मैं आपको इस तरह से हाथ में दिखाती हूँ लेके, अभी काफ़ी गर्म है तो ये हमारे हाथ में चिपचिपाहट जा रही है। मैं आपको कैमरे से पास में दिखा रही हूँ। देखिए, ये इस तरह से तार बन रहा है और टूट रहा है, तो हमें तार पूरा जुड़ना नहीं चाहिए, बस इतना है कि तार बनना चाहिए। तो एकदम चिपचिपी वाली हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार हो गई है। बस अभी मैं इसी स्टेज में गैस का फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और अब हम इसमें डालेंगे जो हमने काजू को पीस के रखे उसको हम इसमें डालेंगे। बस अभी मैं इसी में ही इस तरह से धीरे धीरे करके ये काजू का पूरा ये पाउडर इसमें डाल दूंगी और डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ध्यान रखना कि गैस का फ्लेम को बंद करना है, बंद करेंगे तो आपको आसानी से मिक्स होगा। ये बिल्कुल धीरे धीरे इसको इसी तरह से हम ये मिक्स करते जाएंगे। अभी इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी ये 1/2 कप ये मिल्क पाउडर है, इसको भी हम डालने के बाद अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेते हैं। बस इसको बिल्कुल आराम से पहले हम अच्छे से मिलाएंगे। तो ये देखिए, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिए। अब मैं बस 2 मिनट के लिए गैस का फ्लेम ऑन करूँगी, बस 2 मिनट के लिए करूँगी ऑन, और फ्लेम को हम लो करेंगे। बस लो फ्लेम में इसको 2 मिनट तक अच्छे से इसको सुखा लेंगे। अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिख रहा है, धीरे धीरे ये पैन भी छोड़ने लग जाएगा। फिर मैं इसमें 1 चम्मच घी भी डालूंगी, तो अभी हम नहीं डाल रहे, पहले इसको थोड़ा सा बस इसी तरह से चलाते हुए सुखाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, फ्लेम को एकदम लो ही रखना है, लो फ्लेम में ही इसको करना है, नहीं तो ये नीचे से जलने लग जाएगा।
तो ये देखिए धीरे धीरे आप देख सकते हैं गाढ़ा भी हो रहा है। बस अभी हम इसी स्टेज में इसमें एक चम्मच घी डाल देते हैं। मैं बस एक चम्मच के करीब घी डाल दूंगी, इससे क्या होगा शाइनिंग भी बहुत ही बढ़िया रहेगा। बस और अब हम घी डालने के बाद एक बार मिक्स कर लेते हैं और गैस का फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। तो मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। बस इसको ऑफ फ्लेम में ही इसी तरह से हम इसको चलाते हुए अच्छे से इसको ठंडा करेंगे थोड़ा, तब हम इसको सेट करेंगे। तो बस इसी तरह से इसको हम बस चलाते रहेंगे, तो ये अपने आप धीरे धीरे ये सूख भी जाएगा। बस हमें इसी तरह से चलाते रहना क्योंकि अभी ये पैन काफ़ी गर्म है, तो ये प्रोसेस हमें बंद गैस में ही करना है। देखिए मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिए हैं और बस इसको भी इसी तरह से चलाते ही रहेंगे, धीरे धीरे ये अपने आप ये सूखते भी जाएगा। तो अब हम इस तरह का ये इस तरह से पेपर ले लिए हैं, बटर पेपर, तो इसको हमने ग्रीस घी लगा के ग्रीस कर लिए हैं। तो अब हम इसी में ही अपना ये काजू वाला अब हम इसी में ही अपना ये इस तरह से जो हमने काजू का तैयार करके रखे इसको हम सारा इसमें डालेंगे। तो ये थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है, तो देखिए आसानी से ये बन भी जाएगा। अब हम इसी में पूरा ये डाल लेते हैं और अच्छे से इसको मसल लेंगे थोड़ा। बस इसको हम अच्छे से इस तरह से 5 मिनट तक अच्छे से एक बार ये अच्छे से इसको हम मल लेंगे ताकि अच्छे से ये सॉफ्ट भी हो जाए। अभी हम सारा डाल लिए हैं और अच्छे से अब इसको हम इस तरह से 3 से 4 मिनट के अच्छे से एक बार हम मसल लेंगे ताकि बहुत ही बढ़िया ये सॉफ्ट रहे। तो अब हमने इसको अच्छे से बेलना है। अब तो मैं इसके ऊपर क्या करूँगी, इस तरह से वापस से ये पेपर लगाऊंगी। इसको भी मैंने हल्का सा ही ग्रीस कर लिए हैं, ये बस इसके ऊपर रखेंगे और इसको बेल लेंगे। थिकनेस आप अपने अनुसार इस तरह से बेल सकते हैं, आप मोटा पतला जैसा बनाना है। अब मैं एक बेलन ले लेती हूँ। अब हम एक बेलन ले ली हैं और ऊपर से इसको बिल्कुल इस तरह से बेलेंगे और बस हाथ से दबाते भी जाएंगे और इसको बेलना है। तो ये देखिए इसको अभी हमने बेल लिया। अब मैं इसको हटा देती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा इसका थिकनेस मोटा ही रखे हैं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखी हूँ। अभी मैं इसको इसमें चांदी का वर्क लगाऊंगी। अगर नहीं है तो आप बिना इसके भी तैयार कर सकते हैं, बट इसको आप लगाएंगे तो पूरा ये मार्केट वाला लुक मिलेगा आपको। अब मैं इसमें ये चांदी का वर्क लगाऊंगी, तो इस तरह से हम इसमें लगा लेंगे। तो हम बिल्कुल इसको आराम से हटाएंगे और इसको एक साइड से इस तरह से लगाएंगे और इसको बस हल्का सा ही ये दबा लेते हैं और ये पेपर को हटा देते हैं। तो इसी तरह से हम ये लगा ले रहे हैं। तो बस इसी तरह से ये पूरे काजू कतली में हम ये अपना ये वर्क लगा ले रहे हैं। तो ये देखिए हमने लगा लिए हैं इसमें। अब इसको थोड़ा सा सूखने देते हैं, फिर हम इसमें कट लगाएंगे। अब इसमें हम कट लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम ये कट लगा ले रहे हैं। आप जितना जैसा चौड़ा जितना भी पसंद करते हैं उसी के हिसाब से इस तरह से कट लगा लीजिए। तो बस हम ये कट लगा ले रहे हैं। तो अब इसको हम इसको डायमंड शेप में कट करना है। मैं बस पहले इस तरह से साइड से कट कर लेती हूँ और फिर इसको इस तरह से डायमंड शेप में हम कट लगा ले रहे हैं। बस इसी तरह से हम ये अपनी सारी काजू कतली को कट लगा लेते हैं। अब इसको हम 15-20 मिनट छोड़ देते हैं, फिर हम इसको निकालेंगे। तो अब हम ये काजू कतली को निकालेंगे। तो मैं आपको इस तरह से दिखाती हूँ एक काजू कतली। आप देखिए कितना सॉफ्ट है ये हमारा बन करके तैयार है। मैं आपको हाथ से दबा करके दिखा रही हूँ, एकदम सॉफ्ट, इस तरह से एकदम टेस्टी टेस्टी हमारा ये काजू कतली बन करके तैयार हो जाता है घर पे ही। तो आप बाहर से लाने के बजाय घर पे ही बना सकते हैं। हमारा अभी दिवाली भी आने वाला है, तो इस तरह से आप ये बना करके अपनी फैमिली फ्रेंड्स को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो हम अपने एक एक करके ये काजू कतली निकालेंगे। मैं आपको दिखाई, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना। और मैं आप सारे इस तरह से निकाल करके प्लेट में रख लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसको प्लेट में निकाली, तो देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है और एकदम इजी तरीके से बन जाने वाला है। तो इस तरह से आप ये घर पे ही बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आए होंगे, वीडियो अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिए। एक बार मैं आपके लिए फिर से नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।